गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन है बेटा आपका 10। लेसन का नेम है बेटा आपका सॉन्ग ऑफ ब्यूटीफुल सूप शॉप। ये बेटा आपका लेसन रहा। अब हम इसकी बेटा आपको वर्ड मीनिंग करा देंगे। ये बेटा बिल्कुल इजी वर्ड मीनिंग है इसकी। फर्स्ट है आपका बेटा रिच, रिच मीन्स होता है धनी। डेंटाइस यानी कि सुंदर। स्टूप गिर यानी कि या गिर जाना। डिस मीन्स व्यंजन। पेनीवर्थ छोटी मात्रा। ब्यूटीफुल सुंदर। ये बेटा इसमें ये कम वर्ड मीनिंग बिल्कुल इजी है। इसी के साथ बेटा हम आपको इसकी एक्टिविटी कराएंगे। बर्ड ऑफ आवर अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो दिया है आपको बेटा ये इसकी ये जो वर्ड मीनिंग बनेगी वो बनेगी ब्यूटीफुल। सेकंड है आपका अदर। थर्ड है आपका इवनिंग। फोर है आपका ग्रीन। अब आते हैं बेटा आपके ये अभी क्वेश्चन आपको करना नहीं है। ये है आपका चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। सूप इज इसमें से आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सेकंड आपका सूप इज मेड ऑफ इसका आंसर हो जाएगा बेटा वेजिटेबल्स। थर्ड है आपका सूप इज टेकन इन द पोइम एट इसका आंसर हो जाएगा इवनिंग। अब आते हैं बेटा आपके राइट करेक्ट फॉर सॉरी राइट सी फॉर करेक्ट एंड आई फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट है आपका सूप ऑफ द इवनिंग इज ब्यूटीफुल ये करेक्ट है बेटा सी। सेकेंड है आपका सूप इज सो रिच एंड ग्रीन ये भी बेटा आपका करेक्ट है। थर्ड है आपका चिल्ड्रन लाइक अदर डिशेज नॉट सूप ये बेटा इनकरेक्ट है। फोर है आपका द राइटर ऑफ दिस पोएम इज लेविस कैरोल ये बेटा करेक्ट है। अब आते हैं बेटा आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु लाइक्स टू ड्रिंक सोप तो चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक सोप। व्हाट इज द पॉट ऑफ द सूप कॉल्ड तो द पॉट ऑफ द सूप इज कॉल्ड टुरिन। थर्ड है आपका हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम आंसर है बेटा देयर आर 18 लाइन्स इन दिस पोएम। अब आते हैं बेटा आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका व्हाट मेक्स सूप ब्यूटीफुल द ग्रीन वेजिट आंसर है बेटा द ग्रीन वेजिटेबल्स मेक द सूप ब्यूटीफुल। सेकंड है आपका व्हाई सूप कॉल्ड रिच आंसर है द सूप इज कॉल्ड रिच बिकॉज इट इज हैविंग वैल्यूएबल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसी के साथ बेटा ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। ये थर्ड बेटा आपको करना नहीं है। इसी के साथ बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।